कई बार आपकी कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जिन्हें चाहकर भी आप पूरा नहीं कर पाते। ऐसे में शास्त्रीय उपाय आपकी मदद कर सकते हैं। मनोकामना पूर्ति और दुर्भाग्य दूर करने के लिए यहाँ बताए गए इन 5 उपायों को आप आसानी से कर सकते हैं। ये तुरंत असर दिखाने वाले उपाय हैं। हो सकता है 24 घंटे के अंदर ही आपकी इच्छा पूरी हो जाए। तुलसी पौधे का उपाय। तुलसी के पौधे को प्रतिदिन प्रातः काल जल चढ़ाएं। इसके साथ ही संध्या काल में इसके नीचे मिट्टी के दिए में घी का दीपक भी अवश्य जलाएं। दीपक जलाते हुए भगवान विष्णु से अपनी इच्छाएं पूर्ण करने की प्रार्थना करें। इससे बहुत जल्द आपकी हर प्रकार की समस्या खत्म हो जाएगी। साथ ही आपने जी सभी विशेष प्रार्थना के साथ दीपक जलाया होगा वह भी अवश्य भी पूर्ण होगी। सफेद आग। किसी भी पुष्य नक्षत्र के रविवार को सफेद आग की जड़ लाकर उससे भगवान गणेश की प्रतिमा बनाएं। लाल कनेर के फूलों के साथ चंदन और धूप का प्रयोग करते हुए विधिवत उनकी पूजा करें। इसके पश्चात उसी प्रतिमा के सामने कुश के आसन पर बैठ कर गणेश जी के बीज मंत्र ओम गम नमः का 108 बार जाप करें। रुद्राक्ष। किसी भी सोमवार को अगर सावन के किसी सोमवार को कर सके तो और भी अच्छा होगा। शिव मंदिर में गौरी शंकर रुद्राक्ष चढ़ाएं। इसके अलावा प्रतिदिन या हर सोमवार को नियमित रूप से बेलपत्र पर सफेद चंदन का टीका लगाकर मन में भगवान शिव का ध्यान करते हुए इच्छा बोलें और शिवलिंग पर चढ़ाएं। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। बरगद के पत्ते। बरगद के पत्ते पर मनोकामना लिखकर किसी भी नदी या बहते जल में प्रवाहित करने पर हर मनोरथ बहुत जल्द पूरी होती है। लेकिन ध्यान रखें कि ऐसा करते हुए कोई आपको टोके ना और किसी से इसका जिक्र भी ना करें। सूती कपड़े का उपाय। नए सूती कपड़े में जटाधारी नारियल बांधकर बहते जल में प्रवाहित करने से भी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इच्छाएं पूरी होने के लिए आपको बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता।